हेलो, हम यूपी टेट के सेट वन और सेट टू कर चुके हैं, जिसमें कि सेट टू का पार्ट थ्री बचा हुआ था, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के 10 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और कोई भी टीचिंग एग्जाम, या वो सीजी टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर सी टेट, या फिर संविदा वर्ग 2 जो मार्च महीने में होने वाला है। और इस तरह हम देखते हैं कोई भी एग्जाम जिसमें कि मैथ्स आती है उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। विलंब ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंक की संख्या। देखिए, इसमें क्या करना है हमें, ये एक संख्या दी हुई है 4 अंक की, जिसका इकाई अंक जो है गायब कर दिया गया है। और ये क्या कह रहे हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है। तो हमें बताना है ए के संभावित मान कौन कौन से हैं, और जो भी संभावित मान है उनका योगफल क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 3 से विभाजित संख्याओं के लिए कौन सा नियम है, ठीक है। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि विभाज्यता के नियम में कोई भी संख्या यदि उनके अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है, या 3 से विभाजित है उनके अंकों का योगफल, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करता हूँ 27 की, इसके अंकों का योगफल है 2 + 7 = 9, तो ये 9 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये किससे, 3 से विभाजित होगी, ठीक है। इसी तरह मान लो मैं बात करता हूँ 4 3 5, 4 + 3 7 7 5 12, 12/3, ठीक है, ये 4 पे चला गया, तो ये भी, ये 435 3 से विभाजित होगी, ठीक है। मान लीजिए मैं करता हूँ 1 3 4, इनके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 11, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता 11, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इसी रूल का यूज़ हम इसमें करेंगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ 5 4 7 a, ये कोई संख्या है। अब हम इनके अंकों का योगफल करते हैं 5 4 9 9 7 16, 16 + a। अब मैं a की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखूँ जो कि 3 के पहाड़े में आए, ठीक है। 16 के बाद क्या आता है, 18, तो 18 के लिए मुझे a की जगह क्या रखना होगा, 2। यदि मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 16 और 1 17 17 नहीं 16 2 18 18 आएगा, 18 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगी। तो एक ही जगह क्या रखूँगा मैं, 2। अगला मान मैं क्या रख सकता हूँ, 18 के बाद 6 3 6 18 और 3 7 21। अब मैं 21 लाने के लिए मुझे एक ही जगह क्या रखना होगा, तो 16 5 21, मैं 5 रखूँगा, ठीक है। इसी तरह 16 21 के बाद क्या आता है, 24 24, भी 3 के पहाड़े में आता है। अब यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, 24 और 8 होता है 16, तो एक ही जगह मैं 8 रख सकता हूँ, सिंपल है, ठीक है। तो एक ही संभावित मान हमें प्राप्त होगा 2 5 और 8। अब इसने क्या कहा है, अब देखिए, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसके बाद आता है 27, क्योंकि 3 नाम 27, ठीक है, तो मैं 27 क्यों नहीं ले रहा, और यहाँ पर मैं 11 भी तो रख सकता हूँ, क्योंकि 16 + 11 होता है 27, जो कि 27 भी 3 के पहाड़े में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही उन सभी संभावित मानों के लिए, अब एक गायब किया है, एक डिजिट है, अंक है, तो हमें सिर्फ एक अंक लेना है, ठीक है। कोई दो, ये तो 2 अंकों की संख्या है 11, लेकिन हमें एक अंक रखना है, कोई संभावित अंक, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या तभी होगी, क्योंकि 3 अंक तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो एक की जगह क्या, एक अंक लिखना है। तो वो अंक क्या है, 2 5 और 8, ठीक है, 2 अंकों की संख्या हम नहीं लिखेंगे। तो उनका क्या पूछा है ना क्वेश्चन में, का योग क्या है, योग मतलब हम प्लस कर देंगे, 2 + 5 + 8, 8 2 10 5 15, हमारा आंसर बन जाएगा 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, एक ये बहुपद दिया है 1 2 और ये 3, इनका सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व गुणनखंड क्या होता है, जो भी इनमें कॉमन गुणनखंड है वो ज्ञात करना है, ठीक है। हम एक एक से इनके गुणनखंड निकालेंगे अब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x^4 - 256, इसको हम क्या कैसे तोड़ सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है a² - b² = a + b और a - b, ठीक है, इस फॉर्मूले में हम तोड़ सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x^2 - x^2 = 16 का होता है 256 वर्ग, ठीक है, तो 16^2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 16, ये हुआ x² + 16। अगेन इसको मैं इसी फॉर्मूले जैसे तोड़ सकता हूँ, तो x - 4, यहाँ हो जाएगा x + 4, और यहाँ हो जाएगा x² + 16, ठीक है। ये मेरा हो गया एक गुणनखंड निकल गए, 1 2 3, 3 गुणनखंड निकल गए हमारे इसके, ठीक है। अगला क्या है,
एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, ठीक है। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना, तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से मैं माइनस 3 कॉमन ले सकता हूँ तो x माइनस 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे x माइनस 4 यहाँ से निकालना है, तो मैं यहाँ से माइनस 3 निकाल लूँगा, तो यहाँ से x माइनस 4 बचेगा, ठीक है, समझ में आया। देखिए सॉरी यहाँ पे प्लस 3 आएगा ना, तो x माइनस 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो x एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये x माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये दूसरे के भी गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए इसी तरह से मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को तोड़ूंगा, और मुझे इसको 12 को इस तरह से तोड़ना है कि इन दोनों का गुणा करें तो 12 आए दो संख्याओं का, और यदि वो संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो माइनस 7x आए, तो क्या हुआ वो संख्या 3 और 4, ठीक है, 3 चुके 12 और 4 3 7, तो इसको कैसे लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 12, ठीक है, समझ में आया, 4 3 12 और जोड़ें या घटाएं तो 3 4 3 7, इसको मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया मैंने तो x माइनस 3, यहाँ पर आ गया x माइनस 4 और x माइनस 3 पूरे से कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ हमारे पास तीनों गुणनखंड मिल गए हैं। अब इनमें देखिए कि तीनों में कॉमन गुणनखंड क्या है, x माइनस 4, तो हमारा सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक बीजगणित का सवाल है जिसमें दिया गया है 8x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, ठीक है, इसको विभाजित करना है 4x प्लस 1 से और भागफल इतना प्राप्त होता तो k का मान क्या है, ठीक है, सिंपल है, इसको भाग लगा देंगे जैसे हम स्कूल में करते थे, तो 4 कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8 2, और x सिंगल x है, यहाँ पर x की घात 3 है, तो किससे गुणा करेंगे, x की घात 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और x की घात 3, ये आ गया माइनस या प्लस लगेगा ना, 2x का 1 में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ इसका विपरीत चिन्ह माइनस, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x, तो हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से 10x हमने लिखा, फिर किससे करेंगे, देखिए माइनस है यहाँ तो अपन सीधे माइनस से इंटू करेंगे, और 4 दूनी 8 तो 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 1x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो 1x लगा देंगे, तो 2x का जब 4x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर, ये आ गया, इसी तरह माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x, इसी तरह यहाँ प्लस हो जाएगा इसका विपरीत चिन्ह और इसका विपरीत चिन्ह प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो 10x धन 2x कितने हो गए, 12x, यहाँ से प्लस 3 हमने नीचे लिखा, और अब इसमें क्या करेंगे, 4x का कितने में गुणा करेंगे, 12x आ जाए 3 में, 4 3 12 12x और 3 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, प्लस 3, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, हमारे पास कितना आ गया भागफल, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 3, तो हमें k की वैल्यू निकालना है। अब पहले से हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस k है, 2x को हटा देंगे तो कितना बचा, माइनस 2x प्लस 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 2x या माइनस 2x प्लस 3, तो ऑप्शन में देखिए ये दिया है 3 माइनस 2x, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी बीजगणित से है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये जो बहुपद है इसका इसमें गुणा करना है, और जो भी आएगा फिर x की घात 3 x की घात 2 और x के गुणांक a b c हैं, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है भाई, मैं चाहूँगा कि आप खुद ट्राई करें इसको और कमेंट बॉक्स पे आंसर दें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ईजी सवाल है, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करना है और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और आंसर आ जाएगा आपका, चलिए ये भी आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट करना है, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दुगनी है, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दुगनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी, यदि बेटी की आयु वर्तमान आयु x है तो बताओ, देखिए बेटी की आयु x है तो अभी की आयु कितनी हो जाएगी, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दुगनी है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 2x, ठीक है, अब 5 वर्ष पहले की कहानी कर रहे हैं तो 5 वर्ष पहले बेटी की आयु हो जाएगी x माइनस 5 और अभी की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले, 2x माइनस 5,
और क्या बोल रहा है आगे, अपनी बेटी की आयु की चार गुनी थी, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु की चार गुनी थी। चार गुनी थी मतलब इसके सामने ये एक को लगाया, इसमें हम चार का गुणा करेंगे बेटी की आयु में, तो ये इसके बराबर हो जाएगी पिता की आयु के बराबर। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। इसमें सिर्फ समीकरण बनाना था, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये थर्ड नंबर का। अगला क्वेश्चन है, कोई अमाउंट है जो 8% वार्षिक दर से लगाया जाता है और 6250 की एक राशि है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6250 की कोई राशि है, ये लिखा 6250, उसमें 8% की दर से जो है ब्याज लग रहा है, तो 2 सही 3/4 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ये देख के घबराना नहीं है भाई आपको। देखिए 2 साल का अपन निकाल सकते हैं, पहले 8 वर्ष की दर से निकाल रहे हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम कैसे कर सकते हैं, 6250 का 108% निकाल दो, ये विदाउट फॉर्मूला अपन ऐसे यूज लगा सकते हैं क्वेश्चन को। इसका 2 बार निकालना है तो ये निकाल दिया, ठीक है। अब मैं इसका इस पर्टिकुलर टाइम का निकालूंगा, 3/4 मतलब ये कितना टाइम है। यदि मैं 12 महीने की बात करूँ, 12 महीने का एक तब भाग हुआ, 4 × 12 मतलब 9 महीने का, ठीक है। 9 महीने का अलग से निकालना है मुझे, 9 महीने का मतलब यदि पहले 1 साल की दर जो है 8% है, ठीक है, तो 9 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 8 का 3/4, तो 4 × 8 ये हो गया, 3 × 6, तो मैं 6% निकाल दूंगा 9 महीने के लिए निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 106% निकाल दूंगा पूरे का। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी है, आपको सोचना है कैसे करना है, अप्रोच आपको सही रखना है, और इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। 8% निकालना है मतलब आपको 108% निकाल देना है, सिंपल। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, देखिए 25 × 100 ये आया, 25 में काटा ये 0, 25 से फिर काटा मैंने, 25 × 100 ये 0 बचा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं 4 से काटूँगा तो कितना आएगा, 4 × 8 बचा कितना, 2 × 4 = 28, यहाँ भी 27। 27 का वर्ग कितना होता है, 529, ठीक है, और यहाँ 10 है, ठीक है। 10 से ये 0 चला गया, इसमें अपन 106 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, भाग कर देंगे 10 का, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, उसके हानि या लाभ बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, तो उसने अंकित मूल्य कितना है, 40% बढ़ा रहा मतलब 140 हो जाएगा उसका अंकित मूल्य, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर वह 40% बट्टा देता है, 40% छूट दे रहा है, मतलब उसने कितना, कितने में बेचा है, उसने बेचा है 60% में, मतलब 140 का 60% निकाल देंगे हम, 40% छूट दी मतलब 60% कमाया उसने, तो 140 का 60% निकाल दिया हमने, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 6 × 24 ये 6 × 6 = 2 = 8 84 में बेचा उसने, ठीक है, 84 में बेचा और 100 में ख़रीदा, तो उसको हानि या लाभ बताना है, सिंपल सा है। 100 में ख़रीदा, 84 में बेच रहा है, कितना बचा, 16% हानि हुई उसको, 100 में ख़रीद रहा है, 84 में बेच रहा है, 16% हानि है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, एक फॉर्मूला है, a + b × a × b/100, यहाँ प्लस है, ठीक है। मान लीजिए कोई 40 रुपये उसने छूट दी, 40 से उसने क्या बढ़ाया, पहले 40 बढ़ाया, 40 कम कर रहा है, तो इस फॉर्मूले में हम इसको रख सकते हैं, 40 पहले कम किया और 40 बढ़ा भी रहा है, तो पहले 40 बढ़ाया मतलब +40 और 40 उसने छूट दी मतलब -40 +40 × -40। इसको सॉल्व करोगे आप, 0000 यहाँ क्या आ जाएगा, ये 40 से 40 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, -4 × 16, ये माइनस क्या दर्शाता है, हानि। मान लो प्लस आता तो हम क्या कहते, 16% लाभ हुआ, लेकिन यहाँ माइनस आया, -16 मतलब
हमें हानि हुई है। तो यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, -16%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के कोण, ये हमें दिए हैं किसी चतुर्भुज के कोण, इनके अनुपात दिए हैं। तो इसमें क्या पूछा है, इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक और सबसे छोटे कोण के पूरक बताओ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कोण निकाल लेंगे, फिर आगे की कहानी जानते हैं कि संपूरक और पूरक क्या होते हैं। तो देखिए 2:3:5 है, तो मान लीजिए चतुर्भुज के कोण क्या हैं, एक है 2x, दूसरा है 3x, एक है 5x और एक है 8x। ठीक है, अब आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 5, 5 × 10, 10 × 8, 18। 18x = 360। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त हो गई हमें, 18 × 2 = 36, यह है 220। ठीक है, 20 आ गया, x की वैल्यू हम इनमें रखेंगे, तो पहला कोण क्या निकल के आ जाएगा, 40, दूसरा आ जाएगा 20 × 60, तीसरा आ जाएगा 100 और चौथा हो जाएगा कितना, 8 × 2 = 16, 160। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 160। अब देखिए संपूरक क्या होता है, मान लीजिए दो कोण हैं, यदि दोनों कोणों का योग, मान लीजिए मैं बात करता हूँ 50, तो इस कोण का संपूरक क्या होगा, 130। यदि कोई दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो दोनों दो कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो इस तरह 50 का संपूरक क्या है, 130, और 130 का संपूरक क्या है, 50। ठीक है, 90 का संपूरक 90 होगा। ठीक है, 80 का संपूरक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 का संपूरक 80। तो 160 का संपूरक क्या है, 160 में क्या जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा, तो 20। तो 160 का संपूरक हो गया 20। और इसी तरह सबसे छोटे कोण का पूरक, इसमें सबसे छोटा कोण दिख रहा है क्या, 40। अब पूरक कोण क्या होते हैं, जिनके जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे 20 का पूरक कोण क्या होगा, 70, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा। ठीक है, 50 का पूरक क्या हो जाएगा, 40, 40 का पूरक 50, तो 40 का पूरक क्या है, 50। ठीक है, तो ये +50। इसने क्या बोला है, इस सबसे बड़े कोण का संपूरक 20 और सबसे छोटे कोण के पूरक 50, इन दोनों का योग क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, 20 + 50 बराबर क्या हो जाएगा, 70 अंश। आंसर क्या है, 4। अगला है किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 और 17। ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 15 है, एक 17 है, तो बताना है आपको कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं। पहली, मान लीजिए ए, ये a = 15 है, बी है 17। ठीक है, तो मान लीजिए ये लंब है, ये है आधार, तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण मान लीजिए सी है। ठीक है, तो कर्ण क्या होता है, c² = a² + b², यहाँ क्या हो जाएगा, 15² + 17² तो यहाँ क्या हो जाएगा, 225 + 289। ये हो गया अपना कितना, 17, तो 9 × 5 = 14, 8 × 2 = 10 और 1 = 11 और 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 514। ठीक है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे c = तो कितना आ जाएगा, 22 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई, इसका मान ये आएगा, मान लीजिए 17 जो है कर्ण है और 15 जो है क्या है, आधार है। ठीक है, तो हम लंब कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 17² - 15² ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, 289 - 225, यहाँ से 9, ये और ये 6, तो यहाँ से अपना क्या 8 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी भुजा या तो 8 होगी या होगी 22 point something कुछ भी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, अब ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, यह 4 cm तथा 7 cm के बीच में है। देखिए दोनों 8 या 22 में दोनों में से कोई 4 या 7 के बीच में है, नहीं है तो ये कट। दूसरा 20 और 23 के बीच में है, बिल्कुल है, 22 देखिए 20 और 23 के बीच में है, तो ये करेक्ट है। यह 10 cm से छोटी है, बिल्कुल, 8 देखिए 10 से छोटी है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा बी और सी किस में है, 4th में।
तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये था यूपी टेट का सेट 2, जिसका ये हम थर्ड भाग कर रहे थे, और इसमें हमने 10 क्वेश्चन किए डिफरेंट चैप्टर से, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। थैंक यू।